बारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी के नांडी में होगा। इसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया जाएगा। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन के वेबसाइट और लोगों का लोकार्पण किया। वहीं न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने उच्चायुक्त कमलेश शशि प्रकाश से खास बातचीत की। इस सम्मेलन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे आपको। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार फिजी में हो रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं फिजी देश के उच्चायुक्त महामहिम कमलेश शशि प्रकाश जी। आइए उनसे जानते हैं। सर, इस बार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपके देश में हो रहा है, क्या तैयारियां हैं और आज क्या लॉन्चिंग रही? धन्यवाद। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा है, जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन है ये फिजी में होने जा रहा है और ये होगा 15 से लेके 17 फरवरी अगले साल 2023, और ये फिजी के नांदी शहर में होगा, जो जहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसको लेकर के आज जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है श्रीमान एस जयशंकर जी ने जो कॉन्फ्रेंस का लोगो है और जो कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा उसका लॉन्चिंग की है आज सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में। उपस्थिति में थे हमारे मिनिस्टर फॉर स्टेट श्री वी मुरलीधरन जी, और फिजी से जो हमारे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आज परमानेंट सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन डॉक्टर अंजिला जोखन जी भी थी और हम तो थे ही, साथ में लगभग 200 लोग थे जो हिंदी और भारत के ICCR और अनेक विभाग सरकारी विभाग से थे। सो तैयारियां अब शुरू हो चुकी। जो एक्चुअल प्रोग्राम है नट्स एंड बॉल्स उसका जो अलग अलग किया रहेगा 3 दिन के ये सम्मेलन में, उस पर ज़ोरों से काम चल रहा है और हम आशा करते हैं कि नवंबर के एंड तक जो सारा प्रोग्राम है उसका जो फाइनल विजन जो रहेगा वो हमारे सामने आएगा तो हम लोगों को और जानकारी दे सकेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है इस सम्मेलन में बहुत इतिहास से लेकर के जो हमारे हिस्ट्री है, लिटरेचर है, करंट अफेयर्स है और ख़ास करके हिंदी को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। 40 देश में आज हिंदी बोली जाती है, ये बहुत खुशी की बात है। ये थे मेरे साथ फिजी देश के उच्चायुक्त महामहिम कमलेश शशि प्रकाश जी, जो बता रहे थे कि फिजी में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है लेकिन जब ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन अगले साल वहाँ होगा तो निश्चित रूप से हिंदी को बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन मनीष के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।